हाल ही में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में तमिलनाडु की अनुकृति वास को मंगलवार को मिस इंडिया 2018 का ताज पहना दिया गया। वो इस साल होने वाले मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी और इस खास मौके पर उन्हें मिस वर्ल्ड 2017 रही मानुसी छिल्लर ने मिस इंडिया वर्ल्ड का क्राउन पहनाया। हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर अप रही जबकि आंध्र प्रदेश की श्रेया राव सेकेंड रनर अप रही। पिछले साल भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में हरियाणा की मानुसी छिल्लर ने पार्टिसिपेट किया था और 17 सालों बाद इस खिताब को जीतने वाली वो पहली महिला बन गई थी। 17 सालों बाद इस खिताब को जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई थी। और आपको बता दें कि चीन में हुए इस कंपटीशन में 118 देशों की खूबसूरत लड़कियों ने हिस्सा लिया था। जैसा कि आप सब ये बात तो जानते ही हैं कि इस कंपटीशन में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सवालों के आंसर्स देता है वो कंपटीशन का विनर होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अनुकृति से ऐसा कौन सा सवाल पूछा गया जिसने उन्हें मिस इंडिया बना दिया। उनसे जो आखिरी सवाल पूछा गया वो था कि जीवन में बेहतर शिक्षक कौन है और सफलता या असफलता। तो अनुकृति ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं असफलता को बेहतर शिक्षक मानती हूँ, क्योंकि जब जिंदगी में लगातार सफलता मिलती है तो हमें उसे पर्याप्त मान लेते हैं और हमारी तरक्की रुक जाती है, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो प्रेरणा मिलती है कि सफलता मिलने तक लगातार मेहनत करते रहें। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपने पर्सनल एंड सोशल लाइफ से भी जुड़ी कई सारी बातें मीडिया से की। नेक्स्ट 9 लाइफ से चांदनी की रिपोर्ट।